राजमाता माधवी राजे सिंधिया के निधन के बाद जयविलास पैलेस में शोक संवेदना व्यक्त करने वालों का तांता लगा हुआ है। रोजाना देश के दूरदराज हिस्सों से विभिन्न राजनीतिक दलों के लोग, रियासतकालीन परिवारों से जुड़े लोग और समाज सेवी अपने श्रद्धा सुमन अर्पित करने के लिए ग्वालियर के जयविलास पैलेस पहुंच रहे हैं। उसी कड़ी में जनरल वीके सिंह भी ग्वालियर के जयविलास पैलेस पहुंचे, जहां उन्होंने राजमाता को श्रद्धा सुमन अर्पित करते हुए अपने दिल की बात कही। देखिए रिपोर्ट। ग्वालियर की राजमाता माधवी राजे सिंधिया के निधन के बाद पूरा सिंधिया परिवार शोक में डूबा हुआ है। वहीं ग्वालियर के जयविलास पैलेस में शोक संवेदना व्यक्त करने वालों का तांता लगा हुआ है, जहां केंद्रीय मंत्री जनरल वीके सिंह अपनी पत्नी के साथ रविवार को जयविलास पैलेस पहुंचे, जहां उन्होंने शोकाकुल परिवार के प्रति अपनी संवेदना जताई। वहीं इस दौरान उन्होंने केंद्रीय मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया का हौसला बढ़ाते हुए राजमाता को श्रद्धा सुमन अर्पित किए। इस दौरान मीडिया से बातचीत करते हुए उन्होंने कहा कि सिंधिया परिवार के लिए ये 3 महीने मुश्किल भरे रहे हैं। बहुत दुखद रहा है और खासकर पिछले जो 3 महीने हैं वो अत्यंत दुख भरे थे। जब वो अस्पताल में रहीं, काफ़ी उनका इलाज चला, लेकिन संघर्ष करती रहीं। और मैं तो कहूँगा कि जिस प्रकार से महाराज ने आखिरी समय में अपनी माता श्री की जो सेवा की है वो वाकई में प्रशंसनीय। बता दें कि राजमाता माधवी राजे सिंधिया के निधन के बाद ग्वालियर के जयविलास पैलेस में वीआईपी लोगों का तांता लगा हुआ है, जहां राजनीतिक पार्टियों के राजनेताओं के अलावा महाराणा प्रताप के वंशज लक्ष्मीराज सिंह मेवाड़ भी ग्वालियर महल पहुंचे और उन्होंने राजमाता माधवी राजे सिंधिया को अपने श्रद्धा सुमन अर्पित किए। ब्यूरो रिपोर्ट, एमपी न्यूज।